नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कीटोकोनाजोल क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये जो कीटोकोनाजोल है, ये एक इसका केमिकल नेम है। आपको मार्केट में अलग अलग नामों से ये मिलेगी, जैसे कि कीटो स्टार क्रीम के नाम से मिल जाएगी, केजेड क्रीम के नाम से मिल जाएगी, कैंडिड केजेड क्रीम के नाम से मिल जाएगी फ्रेंड्स ये आपको, और कीटो स्टार क्रीम के नाम से आपको ये मार्केट में मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि किस किस फॉर्म में ये आपको मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स कीटोकोनाजोल की टैबलेट भी आती हैं, कीटोकोनाजोल क्रीम भी आती है, कीटोकोनाजोल फोम भी आता है, और दोस्तों शैम्पू भी इसकी आती हैं, और टॉपिकल फोम भी आता है इसका। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये किस क्लास की मेडिसिन है, तो फ्रेंड्स ये एक एजोल एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन होती है। अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसका उपयोग दाद, खाज, खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब स्किन में किसी प्रकार का अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग अगर पैरों की उंगलियों के बीच में सड़न सी हो गई है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल रिंग वार्म में किया जाता है। रिंग वार्म का मतलब होता है कि कोई चकत्ता सा बन गया है, घेरा सा बन गया है, बहुत ज्यादा वहां पे खुजली हो रही है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस क्रीम का उपयोग अगर शरीर में कहीं पर भी धुंधले धब्बे हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग पाइट्रियासिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, हाथ, पैर और नेक, गर्दन की जो स्किन होती है हल्की सी डार्क हो जाती है, काली हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हम मुख्य रूप से देखें, तो इसका उपयोग दाद, खाज, खुजली को ही ठीक करने के लिए किया जाता है, हमारे शरीर पे वो चाहे जहां हो। बहुत बार जांघों के बीच में खुजली हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा खुजली होती है उसमें, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपको ये क्रीम यूज कैसे करनी है, उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, जहां पे भी आपके दाद, खाज, खुजली है, सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, पानी से धो लेना है, क्लीन कर लेना है। उसके बाद में उसको तौलिए से सुखा लेना है। सुखाने के बाद में इस क्रीम का उपयोग वहां पे करना है। ये क्रीम फ्रेंड्स आप दिन में दो बार लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जहां पे आप इस क्रीम को लगाएंगे, वहां पे इचिंग हो सकती है, और दोस्तों बर्निंग सा फील हो सकता है, या फिर रेडनेस हो सकती है, और दोस्तों स्किन पीलिंग हो सकती है, और ब्लिस्टर ऑन स्किन हो सकता है, और दोस्तों जो स्किन है, त्वचा है, उसमें हल्का सा सूखापन हो सकता है, रूखी रूखी हो सकती है। ऐसा अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे, तो अपने डॉक्टर से बताएं इसके बारे में, ताकि वो आगे का जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर इस दवाई से आपको किसी प्रकार की एलर्जी है कीटोकोनाजोल से, तो इसका इस्तेमाल करने से आप बचें। दोस्तों, अगर कोई माता प्रेग्नेंट है, तो उस केस में अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इस क्रीम का उपयोग करें। दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, उस केस में ये क्रीम सेफ है। दोस्तों, किडनी या फिर लीवर की कोई बीमारी है आपको, तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें, जिससे कोई इसका साइड इफेक्ट ना देखने को मिले आपको। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।